डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की हॉर्नबिल से थर्ड लेसन डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज, जिसके राइटर A.R. विलियम्स हैं, के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस लेसन में A.R. विलियम्स ने बताया है कि एक शक्तिशाली परिवार जिसने सदियों तक मिस्र पर शासन किया, उसका अंतिम उत्तराधिकारी राजा टुट अपनी किशोरावस्था में मर गया था। उसे स्वर्ण आभूषणों के साथ विश्राम करने के लिए कब्र में लिटा दिया गया था। उसके मकबरे को 1922 में खोज निकाला गया। संसार उसके जीवन के बारे में और उसकी मृत्यु के कारण के बारे में जानना चाहता था। 80 वर्षों के पश्चात टुट को फिर दोबारा से बाहर निकाला गया। उसकी मम्मी को स्कैन किया गया। यह सीटी स्कैन उसके जीवन और मृत्यु के बारे में नए संकेत देता है। उसकी मृत्यु के बारे में व्याप्त रहस्य उजागर हो गए थे। पुरातत्व विज्ञान में आधुनिक ज्ञान विज्ञान के उपयोग ने इसे संभव बना दिया है। टुट की मम्मी स्कैन होने वाली सबसे पहली मम्मी थी। तो आए देखते हैं इस लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हु वाज टुट भाई इज हिज लाइफ एज वेल एज डेथ रैप्ड इन माइस्ट्री। तो इसका आंसर है, टुट वाज ए टीन एजर व्हेन ही एसेंडेड द थ्रोन। ही वाज द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल रॉयल फैमिली। ही वाज लेड टू रेस्ट 26 फीट बिलो द अर्थ्स सरफेस इन ए टॉम्ब। हिज मम्मी वाज डिस्कवर्ड इन 1922 वाई ए ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर। ही फाउंड ए फैबुलस ट्रेजर इन द टॉम्ब। द कास्केट इन विच टुट्स बॉडी वाज लेड वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। टुट्स बॉडी वाज एक्सरेड एंड स्कैंड टू फाइंड आउट टुट्स एज एट द टाइम ऑफ डेथ एंड हाउ ही डाइड। हिज लाइफ रिमाइंड एज ग्रेट ए माइस्ट्री एज हिज डेथ इन 1968 द एक्सरेज ऑफ द मम्मी शोड ए ब्रोकन ब्रीस्ट बोन एंड सम मिसिंग रिब्स। टुट्स अनटाइमली डेथ एट ए यंग एज इज स्टिल ए मैटर ऑफ रिसर्च। हाउ ही डाइड वेदर अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस और अननेचुरल वंस इज स्टिल नॉट कन्फर्म्ड। दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वह है, भाट प्रॉब्लम्स डिड हॉवर्ड कार्टर फेस विद रिगार्ड टू टुट्स मम्मी। हाउ डिड ही सॉल्व देम। आंसर इसका, हॉवर्ड कार्टर ए ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर टुट्स टॉम इन 1922 आफ्टर ईयर्स ऑफ सर्चिंग। ही फाउंड फैबुलस ट्रीजर्स इन द टॉम इवन दो इट हैड बीन रैंसेज्ड अर्लियर। द ट्रीजर कंसिस्टेड ए गोल्डन कॉफिन
गोल्डन ऑर्नामेंट्स एंड इवन पेटी थिंग्स ऑफ एवरी डे यूज। कार्टर फाउंड थ्री कॉफिन्स इन द फर्स्ट ही फाउंड द गार्लैंड्स ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स बट व्हेन ही रीच्ड द ममी ही रेन इनटू टर्बल द रेजेंस यूज्ड टू एम्बेल्म टूट्स बॉडी हार्डेंड ही द कॉफिन बाज ऑफ सॉलिड गोल्ड नाइदर ह्यूमन फोर्स नॉर द स्कॉर्चिंग सन कुड लूजन द बॉडी सो कार्टर यूज्ड चीजल एंड हैमर टू रिमूव द रेजेंस ही हैड लिटिल चॉइस टूट्स ममी आल्सो हैड टू बी रिमूव्ड पार्ट बाय पार्ट हैविंग टेकन आउट द गोल्डन कॉफिन द बॉडी पार्ट्स वर रीअसेंबल्ड पुट इन ए वुडन बॉक्स एंड प्लेस्ड इन द टॉम अगेन। इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है हु वाज किंग टुट और जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन व्हेन डिड टुट डाई। तो आंसर टुट वाज द यंगेस्ट एंड द लास्ट हेयर ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड ओवर इजिप्ट। टुट डाइड इन हिज टीन एज अबाउट 3300 ईयर्स एगो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट में भाई बाज टुट्स ममी टेकन आउट ऑफ हिज टॉम। आंसर टुट्स ममी बाज टेकन आउट ऑफ हिज टॉम टू नो अबाउट द मास्टरीज रिगार्डिंग हिज एज। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हु डिस्कवर टुट्स टॉम एंड बहन। तो इसका आंसर है हार्वर्ड कार्टर वाज ए ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड टुट्स टॉम इन 1922। चौथा भाई वाज किंग टुट्स डैमेज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर है किंग टुट्स डैमेज वाज ए बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड बिकॉज ही वाज द लास्ट किंग ऑफ हिज डायनेस्टी। पांचवा भाट वाज सरप्राइजिंग अबाउट द आर्टिकल ऑफ फर्नरी ट्रीजर। तो आंसर इसका दे वर मेड ऑफ प्योर गोल्ड देयर साइन वाज एवरलास्टिंग दी थिंग्स स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन। छठवां भाडिड जही हब्बास पॉइंट आउट अबाउट द कंडीशन ऑफ द ममी। आंसर इसका जही हब्बास पॉइंटेड आउट दैट द ममी वाज इन बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ भाट कार्टर डिड इन 1920s। सातवां इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर में भाट वर द थिंग्स वरीड विद टुट। तो आंसर इसका टुट वाज वरीड विद एवरीडे थिंग्स लाइक बोर्ड गेम्स ए ब्रोजन रेजर अंडरगारमेंट्स एंड बॉक्सेस ऑफ फूड एंड वाइन। आठवां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच कोर्स डज द नैरेटर रेफर टू एज फेराउस कर्स। आंसर इसका इट वाज बिलीव्ड दैट डेथ और अनफॉर्चून फेल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड फेराओ। इट इज द कर्स रेफर्ड बाय द ऑथर। नौवां जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है भाट डिड कार्टर डू टू रिमूव द ममी
फाइनली आंसर इसका ही गॉट द हार्डेंड रेजिंस चिजल्ड अवे ही हैड टू कट ऑलमोस्ट एवरी मेजर जॉइंट। दसवां और अंतिम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर में वो है भा डू यू नो अबाउट इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट स्टार्टेड लिस्टिंग द ममीज प्रेजेंट इन इजिप्ट। इट स्टार्टेड इट्स वर्क इन 2003। तो इस तरह से ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। इन्हें आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और याद करेंगे। थैंक्स।